भूषण जी, मैं आपसे जरूर पूछना चाहूंगी कि पहला सवाल जहन में होता है कि हम बच्चों को जब बाहर भेजेंगे तो फीस स्ट्रक्चर एक सबसे बड़ा वो रहता है। फीस स्ट्रक्चर के बारे में थोड़ी सी डिटेल आपसे जानना जी, चाहेंगे। फाइनेंशियली इकोनॉमिकली देखा गया तो इंडिया में मेडिसिन एक सबसे पहली बात तो कंपटीशन बहुत है। आप हाँ छत्तीसगढ़ का देखेंगे तो आज इस साल का अराउंड 12 से 13 हज़ार बच्चे नीट क्वालिफाई किया है, मगर छत्तीसगढ़ में जो गवर्नमेंट सीट से 800 जी मात्र 800 सीट से, तो सबको कंपटीशन से नहीं आ सकता। राइट देन जिसकी फाइनेंशियली कुछ लोग अच्छे घर के जो लोग इंडिया में लेना चाहते हैं, तो इंडिया में सबसे सबसे आप बहुत ही कम फीस भी लेंगे तो 70 लाख से लेके 1 करोड़ रुपए तक, तो सबकी हमारा मिडिल क्लास फैमिलीज के लिए बिल्कुल ही पॉसिबल नहीं है इतना पैसा जी पे करना। तो उस सारा चीज़ों को रेशियो में लेते हुए ISM हमने जब से शुरू किया है, आज का दिन में भी इतना सब जगह को आपको पता है महंगाई बढ़ गई है, हाँ उसके बावजूद भी हम एक अच्छी क्वालिटी एजुकेशन मात्र 15 लाख रुपए में, टोटल 5 ईयर्स का जो फीस है कॉलेज फीस, मतलब एवरी ईयर आप एवरेज लेंगे तो 3 लाख रुपया मात्र फीस में, 3 लाख भी नहीं आता, 2 लाख 80 हज़ार करीब, 3 लाख करीब आता है फीस, वो भी क्योंकि डॉलर रेट आज के दिन बढ़ गया है, जी उसकी जी वजह जी से थोड़ा सा बर्डन है पेरेंट्स में, बट जी अदरवाइज 3 लाख रुपये में आपको पता है आपको 12वीं 11th क्लास एक राइट अच्छी राइट हाँ कॉलेज में पढ़ाना है तो आपको आज बच्चे के का दो स्कूल ढाई में लाख अच्छे कॉलेज रुपया में। हाँ जी इतना फीस है, तो हाँ मेडिसिन हम उस फीस में हम दे रहे हैं। हाँ तो हमारे पास भी एक रिस्ट्रिक्टेड फाइनेंशियल सोर्सेस है, क्योंकि हम चाहते हैं कि इसको मिडिल क्लास को एफोर्डेबिलिटी बनाया जाए उसमें, और बेहतर से बेहतर एडुकेशन कैसे दिया जाए, जी प्लस इंडिया की जो प्राइवेट मेडिकल कॉलेज गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज से जो स्टूडेंट ग्रेजुएट होकर बाहर आ रहे हैं, जी उसका हमारा स्टूडेंट जो ग्रेजुएट है आ रहे बाहर जी इक्वली कॉम्पिटेटिव बनाया जाए उनको, उनकी नॉलेज लेवल आप टेस्ट करेंगे तो उनके दोनों के बीच में कोई फ़र्क ना हो, वो भी उतना बेहतर डॉक्टर बने जैसे इंडिया की जो कॉलेज में बन के आ रहे हैं। इवन हमारा बच्चे, बहुत सारे बच्चे हैं पोस्ट ग्रेजुएशन क्लियर किया एम्स में, जैसे आपने कहा बहुत जगह पे है, जी उसके बगैर इंटरनेशनली भी जैसे देखा गया तो हाँ हमारा स्टूडेंट्स USMLE क्लियर करके अभी न्यूयॉर्क हॉस्पिटल में हमारे डॉक्टर काम कर रहे हैं, मियामी हॉस्पिटल में एडमिनिस्ट्रेटर में हमारा ISM का ग्रेजुएट है, ऑस्ट्रेलिया में है, जी दुबई में काम कर रहे हैं। सो ग्लोबलाइज्ड वैसे जैसे इंडिया से डॉक्टर्स निकल के बाहर जा रहे हैं, वैसे भी ISM का आज का दिन वर्ल्ड वाइज इंडिया में हर जगह पे जाने की, हम उसके लिए हमको एक क्वालिटी एडुकेशन देना पड़ेगा, वो भी हम एफोर्डेबल प्राइस में, क्योंकि मिडिल क्लास फैमिली इससे ज़्यादा हाँ जी एफोर्ड नहीं कर सकते हाँ हैं। तो ये आपने 2 से 3 लाख जो बताया इसको हम जितना भी उस कोर्स का समय है उसमें पांच बांटेगा, एग्जैक्टली है ना? तो एग्जैक्टली उस हिसाब से फिर बहुत ज्यादा नहीं है। यदि हम भारत की किसी प्राइवेट इंस्टीट्यूट की बात करते हैं तो भी आप यदि कंपेयर करेंगे जिससे डॉक्टर भूषण बता भी रहे हैं तो भी उसकी फीस बहुत कम है। रही बात सिक्योरिटी की, सेफ्टी की, किसी दूसरे देश में जाकर वो कोर्स करने की, इन सब आपकी जिज्ञासा को हम दूर करेंगे। लगातार चर्चा कर रहे हैं ISM पर क्यों बेहतर है आपके लिए, खासतौर पर यदि आप मेडिकल क्षेत्र में जाना चाहते हैं। एक छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे हैं।